इन्वेस्टिंग सोसाइटी का मोटिव यह है कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के क्वालिटी स्टॉक्स को आप तक लाना अब तक मैंने वी मार्क इंडिया सेल्टर फार्मा पार ड्रैगन केमिकल ट्रैकजेंट टेक्नोलॉजी एंड लॉयल इक्विपमेंट जैसे अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है ये सभी स्टॉक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है आज मैं आपके लिए फिर एक ऐसा ही क्वालिटी एक बात समझिये जो स्टॉक पाँच सौ या हजार रूपए पे ट्रेड कर रहा है उसे फाइव एक्स या टेन होने में काफी मेहनत लगेगी वही पे जो स्टॉक फिफ्टी रुपए पे ट्रेड कर रहा हो उसे टेन होने में उतना मेहनत नहीं लगेगा का ये स्टॉक भी कुछ ऐसा ही है स्टॉक का नाम है एवरो इंपेक्ट इन केमिकल कंपनी 1994 में बना था जिसे और कंपनी इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बनाता है जिसे ई बोलते हैं ई का मतलब है ये एक ऐसा फिल्ट्रेशन डिवाइस है जिसका यूज गैस से स्मोक और डस्ट पार्टिकल को हटाने में होता है इसका यूज जनरली पावर प्लांट सीमेंट इंडस्ट्री पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री में होता है कंपनी टोटल आठ तरह का प्रोडक्ट बनाता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वैपर स्लो मैन्युफैक्चरिंग टैंक फैब्रिकेशन इसके साथ कंपनी ई का स्पेयर एंड पार्ट्स भी बनाता है एवरल इम्पेक्ट इज द लीडिंग मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर ऑफ ई एस पी इंटरनल कॉम्पोनेंट बढ़ती हुई एयर पॉल्यूशन को लेकर हर पब्लिक और देश परेशान है जैसे अभी वाटर ट्रीटमेंट और ई वाली कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं ठीक वैसे ही एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी भी देगी अब बात करते हैं क्लाइंट लिस्ट की एल टी आई बी एल एम एस पी ग्रुप टेक्नो क्लेयर देव एंड जी पावर इंडिया है इसके अलावा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसी कंपनियां भी इसके क्लाइंट हैं मार्केट कैप 81 करोड़ है और करंट प्राइस 66 है हाई 86 का बना है और लो 55 का स्टॉक अपी का ट्वेल्व है आर ओ है और आर ओ जब आर और आर के मुकाबले पी रे हाफ होता है तो उसे अंडर वैल्यू स्टॉक कहा जाता है कंपनी के ऊपर डेप 36 करोड़ है और रिजर्व 21 करोड़ है और वहीं पे प्रोमोटर होल्डिंग 71 परसेंट है अब बात करते हैं ईयरली सेल की 2020 में कंपनी ने 37 करोड़ का सेल किया फिर 21 में 74 का फिर बाईस वन करोड़ का मार्च दो हज़ार तेईस में वन वन का सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का तो अभी जीरो था फिर इक्कीस में वन हुआ फिर बाईस में टू हुआ फिर तेईस में सिक्स करोड़ अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का तो प्रोमोटर के पास सेवेंटी वन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट है डी के पास जीरो पॉइंट टू टू परसेंट है और पब्लिक के पास ट्वेंटी एट पॉइंट टू फोर परसेंट है हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस को देखा साथ ही फंडामेंटल को भी कंपनी का प्रोडक्ट फ्यूचर में काफी डिमांड होगी रीजन एयर पॉल्यूशन कंपनी अभी बहुत छोटी है तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है प्लस स्टॉक का भी अंडर वैल्यू मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक और बात कंपनी का मार्केट कैप एटी करोड़ है और सेल्स वन वन करोड़ है इन सारी पॉइंट्स को आप गौर से देखो और रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट कीजिए